नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन पर। मैं विकास शर्मा, फिजिक्स फैकल्टी, आज से आपको प्लस वन की फिजिक्स शुरू करवा रहा हूँ। तो चलिए अपने आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने अगर बात करें तो अपने प्लस वन की जो फिजिक्स है उसके बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले थोड़ी बेसिक बात कर लेते हैं। आप सभी को पता है अभी आप लोग 10th क्लास का एग्ज़ाम जो है वो दे करके यहाँ पहुँचे हो। तो अब अगर आगे की बात की जाए तो आप सभी को पता है कि 10th के बाद में आप चाहो आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स किसी भी ब्रांच के अंदर जा सकते हो। पर अगर आप लोग साइंस सेलेक्ट करते हो तो यहाँ आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, या तो आप मैथ ले सकते हो या आप लोग बायो ले सकते हो। ठीक है, अगर आप लोग मैथ या बायो सेलेक्ट करते हो तो इनके अंदर जो आपको सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, इनमें देखो मैथ में तो आपको एक तो मैथ पढ़ना पड़ता है, एक आपको केमिस्ट्री पढ़नी पड़ती है और एक आपको फिजिक्स पढ़ना पड़ता है। ठीक है, अगर यहाँ बात की जाए तो एक तो बायोलॉजी के सब्जेक्ट आ जाते हैं, बॉटनी और जूलॉजी इसमें सातवीं पढ़ी जाती है, दूसरा केमिस्ट्री दोनों में कॉमन रहती है, और तीसरा जो है वो फिजिक्स होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके सब्जेक्ट डिवाइड होते हैं, एक मैथ है दूसरा बायो है। मैथ के अंदर एक आपको मैथ पढ़ना पड़ेगा, एक आपको केमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी और एक आपको फिजिक्स पढ़नी पड़ेगी। हिंदी और इंग्लिश अनिवार्य है जो इन दोनों में लगेगी। यहाँ आपको बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स। ठीक है, तो केमिस्ट्री और फिजिक्स जो है ये दोनों के अंदर कॉमन रहता है। इसके अलावा हिंदी और इंग्लिश जो है वो भी दोनों में क्या रहता है, कॉमन रहता है। ठीक है, यहाँ फर्क पड़ता है, एक ब्रांच में मैथ आएगा और दूसरी में बायो आएगी। आप चाहे मैथ लो या बायो लो, इसके अंदर फिजिक्स जो है वो कॉमन सब्जेक्ट रहने वाला है। ठीक है, तो आज अपने जो वीडियो शुरू कर रहे हैं वो फिजिक्स के वीडियो शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। देखिए, सबसे पहले अगर अपने बात करें सब्जेक्ट की तो अपने पढ़ने वाले हैं फिजिक्स के बारे में। ठीक है, हिंदी में अपने इसे भौतिकी बोलते हैं या अपने इसे भौतिक विज्ञान के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अपने इसी भौतिक विज्ञान या फिजिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले जो आपका शुरुआत का चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है भौतिक जगत और मापन। जो प्रारंभिक आपका चैप्टर है वो है भौतिक जगत एवं मापन। तो देखते हैं कि इस चैप्टर के अंदर आपको क्या पढ़ना है, भौतिक जगत और मापन। इस चैप्टर के अंदर आपको बिल्कुल शुरुआत की बातें जो है वो बताई गई है कि फिजिक्स किस प्रकार से, फिजिक्स की शुरुआत हुई है, फिजिक्स की कौन कौन सी ब्रांचें हैं, फिजिक्स के अंदर क्या क्या आप लोगों को पढ़ना पड़ता है, क्या क्या फिजिक्स का इतिहास रहा है, किस प्रकार से फिजिक्स जो है वो अपने दैनिक जीवन से जुड़ी हुई है। तो ये सारी बातें जो अपने इस प्रारंभिक चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। दूसरा इसके अंदर अपने आएगा मापन। ठीक है, मापन से आप लोग अच्छी तरीके से परिचित हो, अपनी डिटेल में बात करेंगे चैप्टर के अंदर। तो सबसे पहले अपनी बात कर लेते हैं जो प्रारंभिक इसका पार्ट है भौतिक जगत। ठीक है, भौतिक जगत के अंदर सबसे पहले जो बताया गया है वो ये बताया गया है कि फिजिक्स जो है वो अपने जैसे फिजिक्स बोलते हैं, ये फिजिक्स शब्द जो है इसकी व्युत्पत्ति जो है वो यूनानी भाषा या अपने जिसे ग्रीक भाषा बोलते हैं, ग्रीक भाषा, फिजिक्स शब्द ग्रीक या यूनानी भाषा के फ्यूसियस शब्द से मिलकर के बना है। फ्यूसियस, ठीक है, अपने इसे ऐसे भी लिख सकते हैं फ्यूसियस। ठीक है, ये एफ जो है इसकी जगह पी एच ई भी लिखा हुआ आपको मिलता है। तो फिजिक्स जो है वो यूनानी भाषा के फ्यूसियस या
फ्यूसियस शब्द से मिलकर के बना हुआ है, और इस शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है प्रकृति। इस शब्द का अर्थ होता है प्रकृति, ठीक है। तो अगर फिजिक्स की परिभाषा की बात की जाए तो आप लोग ये बोल सकते हो कि विज्ञान की वह शाखा, आपको बोलना पड़ेगा विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर प्रकृति तथा प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे अपने क्या बोलते हैं, भौतिक विज्ञान बोलते हैं। इसके अलावा जो विज्ञान है, इस विज्ञान की ये एक शाखा है। विज्ञान के बारे में तो आप लोग छोटी क्लासों में पढ़ चुके हो, विज्ञान शब्द की व्युत्पत्ति जो साइंस या शब्द जो है उससे हुई है, और इसका अर्थ होता है जानना, टू नाउ अपने जिसे बोलते हैं। तो इसी विज्ञान की एक शाखा है फिजिक्स, ठीक है। ये फिजिक्स शब्द यूनानी या ग्रीक भाषा के फ्यूसियस से मिलकर के बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है प्रकृति। प्रकृति जो है वो क्या है, इस फ्यूसियस शब्द का अर्थ है। और अगर परिभाषा की बात की जाए तो आप लोग बोल सकते हो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर प्रकृति तथा प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाती है, भौतिक विज्ञान कहलाती है। विज्ञान प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन को अपने क्या बोलते हैं, विज्ञान बोलते हैं, और प्राकृतिक घटनाओं को अपने क्या बोलते हैं, भौतिक विज्ञान बोलते हैं। तो ये आपकी साइंस और फिजिक्स की परिभाषाएँ हैं, ठीक है। दूसरा आपको ये भी पता होना चाहिए कि विज्ञान होने के लिए किसी सब्जेक्ट के अंदर क्या ज़रूरी है। जैसे अपने बहुत सारे ऐसे भी सब्जेक्ट होते हैं जिनके पीछे विज्ञान लगा देते हैं, जैसे अपने बोल देते हैं राजनीति विज्ञान, इसके अलावा मनोविज्ञान, इसके अलावा और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनके लास्ट में अपने क्या कर देते हैं, विज्ञान लगा देते हैं। पर इन सबको अलग करने के लिए, जैसे एक तो साइंस की ब्रांच होगी जैसे जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, भूगर्भिक विज्ञान, ये सारी विज्ञान जो है साइंस की ब्रांचेज है, और कुछ एक आर्ट्स की भी ब्रांचेज है। तो इनको अलग करने के लिए विज्ञान से इसके साथ में क्या जोड़ दिया जाता है, प्रकृति शब्द जो है वो जोड़ दिया जाता है, जिससे ये आर्ट्स की ब्रांच से क्या हो जाए, अलग हो जाए, ठीक है। तो ये अपने विज्ञान के बारे में कुछ एक बेसिक बातें हैं। और दूसरा आपको ये भी ध्यान रखना है कि किसी भी सब्जेक्ट के लिए या किसी भी घटना के लिए विज्ञान की घटना या विज्ञान बोलने के लिए क्या ज़रूरी है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए किसी भी घटना के विज्ञान होने या न होने के लिए ज़रूरी होता है कि अपने जो भी घटना है या जो भी अपने तथ्य है, जो भी अपने पास में सिद्धांत है, उसका प्रायोगिक प्रदर्शन होना ज़रूरी है, अपने प्रयोगों के द्वारा उसे सिद्ध करके दिखाना ज़रूरी होता है कि ये घटना जो है इस प्रकार से हुई है। यानी किसी भी घटना का प्रायोगिक सत्यापन होना ज़रूरी है किसी भी घटना के विज्ञान के अंदर होने के लिए। इसके अलावा विज्ञान की जो घटनाएं होती है वो सुपरिभाषित होती है, प्रत्येक घटना की अपनी एक परिभाषा होती है, उनकी खुद की एक व्याख्या होती है। और अगर अन्य तथ्यों की बात की जाए तो विज्ञान के जो जितने भी तथ्य हैं वो हमेशा क्या होते हैं, सार्वत्रिक होते हैं। अपने किसी भी जगह जाकर के यदि उस तथ्य को लागू करेंगे तो उसके मान में किसी भी प्रकार का परिवर्तन जो है वो नहीं आता है, ठीक है। तो विज्ञान के जितने तथ्य हैं वो क्या होते हैं, प्रायोगिक रूप से स्पष्ट होते हैं, सुपरिभाषित होते हैं, और उनके मान जो है वो हमेशा क्या रहते हैं, नियत रहते हैं। तो ये सारी बातें विज्ञान से जुड़ी है, जो बेसिक बातें आपके दे रखी है। इसके बाद अपने भौतिक विज्ञान की आगे बात करते हैं। देखिए इसके आगे यदि अपने भौतिक विज्ञान की बात करें, फिजिक्स की बात करें, तो इसकी शाखाओं की अगर अपने बात करें तो भौतिक विज्ञान की शाखाएं जो है उनको अपने दो पार्ट्स में बांट करके पढ़ते हैं। आप लोगों ने वैज्ञानिकों का नाम सुना होगा, 9वीं-10वीं क्लास के अंदर आप लोगों ने पढ़ा होगा न्यूटन के बारे में, आप लोगों ने पढ़ा होगा गैलीलियो के बारे में। तो ये जो वैज्ञानिक थे इन्होंने भौतिक विज्ञान की बहुत सारी घटनाओं के बारे में बता दिया था, यानी उन घटनाओं का क्या बता दिया था, कारण बता दिया था। परंतु बाद में बहुत सारे अन्य वैज्ञानिक भी आए, जैसे आइंस्टीन का आप लोगों ने नाम सुना है, आइंस्टीन, प्लांक, ऐसे वैज्ञानिक भी आए। इन्होंने क्या किया, जो पुरानी धारणाएं थी उन सब की अपने सिद्धांत से व्याख्या कर दी। दूसरा, इन लोगों ने उन घटनाओं की भी व्याख्या कर दी जो पुराने जो सिद्धांत थे, जैसे न्यूटन का हो गया, गैलीलियो का हो गया, इनसे जिनकी व्याख्या नहीं होती थी उनकी व्याख्या भी इन लोगों ने कर दी। तो विज्ञान, ये जो भौतिक विज्ञान है, इसकी शाखाओं को दो पार्टों में बना दिया गया। एक तो
इनके टाइम की शाखाएं और एक इनके बाद की शाखाएं। तो भौतिक विज्ञान की दो प्रकार की शाखाएं अपने देखते हैं, एक को तो अपने बोलते हैं चिरसम्मत भौतिक विज्ञान, चिरसम्मत भौतिक विज्ञान। और जो दूसरी शाखा है उसे अपने बोलते हैं आधुनिक भौतिक विज्ञान। तो अपने ये दो प्रकार की इसकी शाखाएं हो जाती है, एक तो होता है चिरसम्मत भौतिक विज्ञान जिसे अपने क्लासिकल फिजिक्स बोलते हैं, और दूसरी जो अपनी शाखा है वो कौन सी है, वो है आधुनिक भौतिक विज्ञान जिसे अपने मॉडर्न फिजिक्स के नाम से जानते हैं। तो फिजिक्स की दो ब्रांचेज होगी, एक तो क्लासिकल चिरसम्मत जिसे बोलते हैं और एक आधुनिक मॉडर्न अपने जिसे बोलते हैं। अब इन शाखाओं को भी क्या किया गया है, आगे डिवाइड किया गया है। जैसे अपने अगर सबसे पहले बात कर लेते हैं चिरसम्मत भौतिक विज्ञान की, कि चिरसम्मत भौतिक विज्ञान जो है इसकी शाखाओं को किस प्रकार से बांटा गया है। तो देखिए सबसे पहले चिरसम्मत भौतिक विज्ञान की शाखाएं, देखिए चिरसम्मत भौतिक विज्ञान के अंदर अपने किन को शामिल करते हैं, एक तो जो यांत्रिकी है मैकेनिक्स अपने जिसे बोलते हैं, यांत्रिकी जो है वो चिरसम्मत भौतिक विज्ञान की एक शाखा है। न्यूटन के गति के नियम आप लोगों ने पढ़े होंगे, गैलीलियो के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, जड़त्व का नियम जो उसे आप लोगों ने पढ़ा होगा, और भी बहुत सारी घटनाएं जो है वो आप लोगों ने पढ़ी होगी, वो सारी अपने किसके अंदर पढ़ते हैं, यांत्रिकी के अंदर पढ़ते हैं। इसके अलावा ऊष्मा गति की यह भी अपनी इसी के अंदर पढ़ते हैं। इसके अलावा ध्वनि भौतिक विज्ञान, इसको भी अपने इसी के अंदर पढ़ते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो जो विद्युत चुंबकत्व है, विद्युत चुंबकत्व है, इसको भी अपने इसी में पढ़ते हैं। इसके अलावा प्रकाशिकी की अगर बात की जाए तो इसको भी अपने इसी के अंदर पढ़ते हैं। आप ये मान सकते हो कि वो ज़्यादातर फिजिक्स के चैप्टर जो आप लोगों ने छोटी कक्षाओं में पढ़े हैं, सभी नहीं ज़्यादातर चैप्टर जो आप लोगों ने पढ़े हैं वो किसके अंदर आते हैं, वो आपके चिरसम्मत भौतिक विज्ञान के अंदर आते हैं। जो बड़ी क्लासों में जाकर के आप पढ़ते हो वो किसके अंदर आते हैं, ज़्यादातर आधुनिक भौतिक विज्ञान के अंदर आते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सभी सब्जेक्ट आए, पर ज़्यादातर सब्जेक्ट जो आप लोगों ने पढ़े हैं वो किसके अंदर आते हैं, वो चिरसम्मत भौतिक विज्ञान के अंदर आते हैं। ये सिर्फ इतने नहीं है, इससे आगे ये लगातार चलते जाते हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जो चिरसम्मत भौतिक विज्ञान के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, ये शाखाएँ हैं भौतिक विज्ञान की, जो फर्स्ट पार्ट है चिरसम्मत भौतिक विज्ञान उसकी। अगर अपने इसकी बात करें आधुनिक भौतिक विज्ञान की, तो आधुनिक भौतिक विज्ञान के अंदर आप लोग पढ़ते हो क्वांटम भौतिक विज्ञान, क्वांटम फिजिक्स, इसी के अंदर आप लोग पढ़ते हो नाभिकीय भौतिक विज्ञान, इसके अलावा ठोस अवस्था की जो भौतिक विज्ञान है उसको भी अपने इसी के अंदर पढ़ते हैं। अन्य की अगर बात की जाए तो जो प्लाज्मा फिजिक्स है वो भी अपने इसी के अंदर पढ़ते हैं। और देखें यदि तो जो इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स को भी अपने इसी के अंदर पढ़ते हैं। तो ये भी जो शाखाएं है वो लगातार चलती जाती है। अपेक्षिता और लिख देता हूँ, एक अपेक्षिता, ये सारी शाखाएं जो है वो अपने आधुनिक भौतिक विज्ञान के अंदर पढ़ते हैं। बहुत सारी शाखाएं और भी आधुनिक भौतिक विज्ञान के अंदर अपने पढ़ते हैं। तो ये टोटल जो है ये सारी क्या है, भौतिक विज्ञान की शाखाएं हैं। अगर अपने बात करें सबसे पहले यांत्रिकी की, कि यांत्रिकी के अंदर अपने क्या पढ़ा जाता है, तो मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि यांत्रिकी जो शाखा है इसके अंदर हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं, यांत्रिकी के अंदर हम लोग पढ़ते हैं गति के बारे में, साम्यावस्था के बारे में,
तो ये सारी बातें जो है वो अपने इसके अंदर पढ़ते हैं। जैसे अगर आप लोगों ने छोटी क्लासों के अंदर गति के नियम पढ़े हैं तो वो सारी इसी के अंदर पढ़े जाते हैं। कोई वस्तु जो है वो विराम अवस्था में है, गतिशील अवस्था में आ जाती है, ये सारी बातें जो आप लोगों ने पढ़ी है ये सभी किसके अंदर पढ़ी जाती है, यांत्रिकी के अंदर पढ़ी जाती है। तो सीधा सा मतलब ये है कि ये साम्य अवस्था, स्थिर अवस्था, गति की अवस्था से जुड़ी हुई भौतिक विज्ञान की एक शाखा है। अगर आगे अपनी बात करें ऊष्मागतिकी की, ऊष्मागतिकी के अंदर क्या पढ़ा जाता है, तो ऊष्मागतिकी के अंदर आप लोगों को पता होना चाहिए जो ऊष्मा है, ताप है, उसमें प्रवाह की दिशा है, ये सारी बातें जो अपनी भौतिक विज्ञान की शाखा के अंदर पढ़ते हैं। जैसे ऊष्मागतिकी का सुनयांकी नियम हो गया, बहुत सारे इंजन हो गए, जितने इंजन अपने कार्य करते हैं वो सारे इंजन अपने इसी के अंदर पढ़ते हैं। जैसे भाप का इंजन हो गया, डीजल इंजन हो गया, पेट्रोल इंजन हो गया, ये सारे इंजन वगैरह अपने इसी के अंदर पढ़ते हैं। कार्नोट चक्र हो गया, वो भी इसी का एक पार्ट है। अगर ध्वनि भौतिक विज्ञान की बात करें तो ध्वनि भौतिक विज्ञान के अंदर अपने क्या करते हैं, जो आवाज़ से संबंधित घटनाएँ हैं वो सारी घटनाएँ जो आवाज़ से जुड़ी हुई है वो सभी की सभी घटनाएँ अपने ध्वनि भौतिक विज्ञान के अंदर पढ़ते हैं। अगर विद्युत चुंबकत्व की बात की जाए, विद्युत चुंबकत्व की, तो इसके अंदर हम लोग विद्युत के बारे में पढ़ते हैं, धारा के बारे में पढ़ते हैं, वोल्टता के बारे में पढ़ते हैं। चुंबकत्व की बात की जाए तो हम लोग चुंबक के बारे में पढ़ते हैं कि चुंबक क्या होता है, किस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है, ये सारी बातें जो अपने क्या करते हैं, विद्युत चुंबकत्व भौतिक विज्ञान के अंदर पढ़ते हैं। प्रकाशिकी की अगर बात की जाए तो इसके बारे में तो आप लोगों ने 10वीं क्लास में भी पढ़ा है, जो लेंस, दर्पण, वो सारे चैप्टर जो है वो सारे के सारे प्रकाशिकी के अंदर आ जाते हैं। जो प्रकाश से जुड़ी ये सारी बातें हैं वो प्रकाशिकी के अंदर आ जाती है। ठीक है, तो ये कुछ एक परिचय था चिरसम्मत भौतिक विज्ञान का। अगर अपने बात करें आधुनिक भौतिक विज्ञान का, तो आधुनिक भौतिक विज्ञान के अंदर ये कुछ एक शाखाएं जो है वो आधुनिक भौतिक विज्ञान के अंदर हम लोग पढ़ते हैं। जैसे क्वांटम की अगर बात की जाए तो क्वांटम जो है आप सभी को पता होना चाहिए कि क्वांटम आइंस्टीन और प्लैंक के बाद में शुरुआत हुई थी इसकी। जैसे ही प्लैंक का सिद्धांत आया था उसके बाद में क्वांटम की शुरुआत हुई। और नाभिक की अगर बात करें तो परमाणु के बारे में आप सभी जानते होंगे, परमाणु जो होता है उसके अंदर क्या होता है, नाभिक होता है। आप लोगों ने छोटे क्लास के अंदर आउट सारणी वगैरह पढ़ी है, उसके अंदर जो आप लोगों ने बातें पढ़ी थी, जो नाभिक के गुण पढ़े थे, वो सारे अपने किसके अंदर पढ़ते हैं, नाभिक भौतिक विज्ञान के अंदर पढ़ते हैं। किस प्रकार से परमाणु की संरचना हुई थी, किस प्रकार से रदरफोर्ड ने प्रयोग किया था, नाभिक के अंदर प्रोटोन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, वो सारी बातें अपने नाभिक भौतिक विज्ञान के अंदर पढ़ते हैं। अगर अपने बात करें ठोस अवस्था की, ठोस अवस्था भौतिक विज्ञान की, तो ठोस अवस्था भौतिक विज्ञान के अंदर पदार्थ की जो ठोस अवस्था है उसके बारे में बताया जाता है। जो वस्तुएं ठोस होती है उनका अध्ययन किसके अंदर किया जाता है, ठोस अवस्था भौतिक विज्ञान के अंदर किया जाता है। ठीक है, अगर प्लाज्मा की बात करें, प्लाज्मा पदार्थ की चौथी जो अवस्था है वो प्लाज्मा होती है। पदार्थ की तीन अवस्था आप लोग पढ़ चुके हो, चौथी जो पदार्थ की अवस्था होती है वो क्या होती है, प्लाज्मा होती है। तो ये क्या है, प्लाज्मा भौतिक विज्ञान है। अगर अन्य की बात की जाए, इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर बात करें, तो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर हम लोग बहुत सारी बातें जो है वो पढ़ते हैं। जैसे आप लोगों ने विद्युत परिपथ के बारे में पढ़ा होगा, आप लोगों ने आवेश का नाम सुना होगा, आप लोगों ने और भी बहुत सारी बातें सुनी होगी। जैसे अपने पास में बहुत सारे उपकरण होते हैं, उन उपकरणों के अंदर जो छोटे छोटे पार्ट लगे होते हैं वो सारी कौन सी शाखा के अकॉर्डिंग लगे होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के अकॉर्डिंग लगे होते हैं। जैसे संधारित्र वगैरह जुड़ना, कुछ अन्य उपकरण उन सबको जुड़ना, वो सारे किसके अंदर पढ़ते हैं, अपने इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जोड़ते हैं। ठीक है, दोलित्र वगैरह सभी इलेक्ट्रॉनिक्स में आ जाते हैं। अपेक्षिता अगर इसकी बात की जाए तो ये भौतिक विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंदर अपने प्रकाश के वेग से चलने वाले पिंडों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, एक तो अपने ये पढ़ा है यांत्रिकी, इसके अंदर सामान्य कणों की गति का अध्ययन कर रहे थे, एक अपने क्या पढ़ रहे हैं, अपेक्षिकता पढ़ रहे हैं। तो ये भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंदर उन कणों के वेग का अध्ययन किया जाता है जिनका वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। ठीक है, जिनका वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है उनके बारे में अपने अध्ययन जो है वो भौतिक विज्ञान की शाखा के अंदर करते हैं। तो ये कुछ एक बेसिक परिचय था भौतिक विज्ञान के बारे में। ठीक है, हालांकि एग्जाम के नज़रिए से अगर इन सबको देखें तो एग्जाम में शायद ऐसा प्रश्न ना पूछे कि भौतिक विज्ञान की शाखाओं को किस प्रकार से बांटा गया है, कौन सी आधुनिक भौतिक विज्ञान के अंदर आती है, कौन सी चिरसम्मत भौतिक विज्ञान के अंदर आती है। परंतु 11वीं क्लास के अंदर आप फर्स्ट टाइम फिजिक्स पढ़ रहे हो तो आपको इन सब बेसिक बातों का पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो चीज़ें आप लोग पढ़ने वाले हो, जैसे आप लोग
अगर ऊष्मागतिकी के बारे में पढ़ो तो आपको ये तो पता होना चाहिए कि आप क्या पढ़ रहे हो, कौन सी भौतिक विज्ञान का ये पार्ट है। अगर यांत्रिकी के बारे में आप लोग पढ़ो, जैसे इसी बुक के अंदर आप लोग पढ़ने वाले हो, तो आपको पता होना चाहिए कि यांत्रिकी जो है वो किससे जुड़ी हुई है, क्यों पढ़ रहे हैं, किस प्रकार से ये अपने सिलेबस के अंदर शामिल है। तो इसलिए आप सबको इनके बेसिक नॉलेज जो पता होना जरूरी है। ठीक है, आगे बात करते हैं अपने। देखिए आगे, इसके बाद में एक टॉपिक जो आता है वो आता है कि भौतिक विज्ञान जो है, भौतिक विज्ञान जो है ये हमारे समाज के साथ में या हमारी लाइफ के साथ में किस प्रकार से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो अपना ये टॉपिक है इसके बारे में है कि भौतिक विज्ञान जो है वो समाज के साथ में किस प्रकार से जुड़ी हुई है। देखो ये जो टॉपिक है ये भी शायद एग्जाम में ना पूछा जाए, पर आपको कम से कम ये जरूर पता होना चाहिए कि अपने जिस सब्जेक्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो सब्जेक्ट हम लोग लगातार पढ़ने वाले हैं, वो सब्जेक्ट अपने क्यों पढ़ रहे हैं, ऐसी क्या वजह है कि हम अपनी 11वीं क्लास के अंदर अपने इसे पढ़ रहे हैं, हम लोगों को क्यों पढ़ाया जा रहा है, किस प्रकार से अपने ये दैनिक जीवन से ये सब्जेक्ट जो है वो जुड़ा हुआ है। तो बात करते हैं अपने भौतिक विज्ञान और समाज के बारे में। तो आप सबको पता है कि दैनिक जीवन के अंदर बहुत सारे उपकरण जो है वो अपने काम में लेते हैं, जैसे अपने सीधी शुरुआत कर लेते हैं, जैसे कंप्यूटर की बात कर लेते हैं, कंप्यूटर की, ठीक है, अपने बात कर लेते हैं रेडियो की, अपनी बात करें टीवी की, बहुत सारे वाहन जो है, मोटर वाहन जो है, मोटर वाहन, उन सभी की बात कर लेते हैं। तो इनके अलावा अपना मोबाइल फ़ोन हो गया, फ़ोन कोई भी हो उसकी बात कर लेते हैं। अभी अपने और भी बहुत सारी, जैसे कमरे के अंदर ही देख लो अपने फैन लगा हुआ है, बल्ब लगा हुआ है, इन सब की अगर अपने बात करें तो ये सभी बातें जो है वो किसी न किसी रूप से भौतिक विज्ञान से जुड़ी हुई है, और भौतिक विज्ञान और समाज के महत्व को बताते हुए ये सारी चीज़ें अपने सामने। अब सबको पता है कि पुराने टाइम के अंदर जब अपने एक जगह से दूसरी जगह तक समाचार भेजने होते थे तो काफ़ी ज़्यादा लंबा टाइम लग जाता था, तो अपने को नहीं पता होता था कि एक जगह से दूसरी जगह किस प्रकार की घटनाएँ घटित हो रही है। पर आज आप सबको पता है कि टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से, इंटरनेट से जो लगातार इंटरनेट के माध्यम से जो अपने सारे समाचार देखते हैं वो सब किसकी देन है, वो सब भौतिक विज्ञान की देन है। ठीक है, कंप्यूटर के अंदर हम लोग बहुत सारे कार्य जो कंप्यूटर से करते हैं आज इंसानों की जगह जो मशीनों ने ले लिया, आप सबको पता है। तो बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो मानव के द्वारा करना संभव नहीं है, अगर मानव के द्वारा किया जाए तो काफ़ी ज़्यादा समय लगता है, परंतु अपने कंप्यूटर की सहायता से उसे क्या कर सकते हैं, बहुत जल्दी कर सकते हैं। गणनाओं की बात की जाए, बच्चों के रिजल्ट की बात की जाए, तो ये सारी चीज़ें जो है वो कंप्यूटर के द्वारा सेकंडों में की जा सकती है, जिसको यदि अपने मैनुअली करने की सोचें, अगर अपने घर पर इन सबको करें तो आप सबको पता है कि बहुत लंबा टाइम लग जाता है। तो ये सब क्या है, भौतिक विज्ञान की देन। अगर रेडियो और टीवी की बात करें तो आप सबको पता होगा कि रेडियो और टीवी जो है इनके माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह की जो घटनाएं हो रही है, जैसे कहीं पर खेल चल रहा है, कोई क्रिकेट का मैच चल रहा है, फुटबॉल का मैच चल रहा है, उन सब के बारे में अपने क्या कर सकते हैं, रेडियो और टीवी के माध्यम से उन सब का सीधा प्रसारण अपने घर पर देख सकते हैं। मोटर वाहन की बात करें तो आप सबको पता है पहले एक जगह से दूसरी जगह जाते थे तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती थी, पैदल जाना पड़ता था, परंतु जैसे जैसे फिजिक्स ने प्रगति की, अपने मोटर वाहन आ गए, इससे पहले अभी अपने घोड़ा गाड़ी वगैरह चलती थी तो उनके टायर वगैरह जो बने हुए होते थे, जो गाड़ियाँ बनी हुई होती थी, उन सब के अंदर भी किसी न किसी रूप से फिजिक्स जो अपने लागू होती थी। जैसे ही पहिए का आविष्कार हुआ, मानव की लाइफ जो है वो काफ़ी आसान होगी। तो ये सारी बातें जो किसी न किसी रूप से फिजिक्स से जुड़ी हुई है। और ये आपको पता है पंखा और ये बल्ब और ये फोन,
इन सब की वजह से भी क्या है अपनी लाइफ जो है वो आसान हो गई है। तो भौतिक विज्ञान जो है उसने अपनी लाइफ को क्या कर दिया, काफ़ी ज़्यादा आसान कर दिया। अभी अगर अपनी बात करें डिजिटल की, तो आप सबको पता है कि डिजिटल के अंदर जैसे अभी आप लोग इस वीडियो को देख पा रहे हो अपने घर में बैठे हुए, वो सब किसकी सहायता से देख पा रहे हो, वो फिजिक्स की सहायता से देख पा रहे हो। जैसे अपना ये कैमरा लगा हुआ है, ये माइक लगा हुआ है, जिस फ़ोन के अंदर आप लोग ये वीडियो देख रहे हो वो फ़ोन हो गया। ये सारी चीज़ें किसी न किसी रूप से किससे जुड़ी हुई है, भौतिक विज्ञान से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो अब शायद आपको पता लग गया होगा कि भौतिक विज्ञान जो है वो अपने समाज के साथ में किस प्रकार से जुड़ा हुआ है। अगर आपको बोले कि भौतिक विज्ञान और समाज के संबंध पर टिप्पणी लिखिए, तो आप इन सब की सहायता से क्या कर सकते हो, टिप्पणी लिख सकते हो। इसके अलावा भी जो भी बातें आपको पता है जो साइंस से जुड़ी है, जो भौतिक विज्ञान से जुड़ी हुई है, उनको आप लोग इसके अंदर लिख सकते हो। तो ये अपना टॉपिक था भौतिक विज्ञान और समाज के बारे में। आगे बढ़ते हैं अपने। इसके बाद में अपने चैप्टर का जो सेकंड पार्ट है वो शुरू हो जाता है, जो अपने मापन से जुड़ा हुआ है। हम लोगों ने दो पार्ट लिखे थे, भौतिक जगत और मापन। अब जो अपने पार्ट शुरू हो रहा है वो है मापन के बारे में। तो भौतिक जगत हम लोगों ने पढ़ लिया है, अब अपनी बात करते हैं मापन के बारे में। यहाँ से जो है आपके एग्जाम में प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। सबसे पहले अपनी बात कर लेते हैं मापन की आवश्यकता, कि मापन जो है वो क्यों किया जाए, मापन जो है वो क्यों किया जाए, मापन की आवश्यकता क्या है। तो दैनिक जीवन की अगर अपनी बात करें, मापन की आवश्यकता क्यों है। जैसे अपनी किसी भी दुकान पर अगर जाएं, तो कोई भी अगर अपने को सामान लेना हो, जैसे अगर हम लोगों को चीनी लेनी है, अगर हम लोगों को चीनी लेनी है, तो जैसे ही हम लोग दुकान पर जाएंगे तो सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, अपने को ये बताना पड़ेगा कि चीनी की कितनी मात्रा जो है वो हम लोगों को चाहिए। जैसे हम जाते ही बोल देते हैं कि 2 kg चाहिए, जो दुकानदार होता है वो आसानी से क्या करता है, 2 kg तोल देता है और हम लोगों को दे देता है। उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर देते हैं, उसको पैसे दे देते हैं। अगर मापन नहीं होता तो अपने इसकी मात्रा जो है वो निर्धारित नहीं कर पाते। जैसे 10 रुपये की अपने, जैसे मान लेते हैं कि 100 रुपये की अपने क्या कर रहे हैं, ये 2 kg चीनी ले रहे हैं। अगर मापन नहीं होता तो इसी 100 रुपये में कितनी चीनी आती है ये अपने को नहीं पता लगता। ऐसा होता कि एक बार तो ये चीनी जो है वो अपने को कम देता, दूसरी बार हो सकता है ज़्यादा देता, या हर बार अपने को क्या है कम चीनी मिलती। परंतु अब अपने क्या है, अब अपने मापन कर सकते हैं। आपको यहाँ से सीधा सीधा पता है कि अगर 100 रुपये में वो 2 kg दे रहा है तो 50 रुपये में वो कितनी देगा। आपको साफ पता है कि 50 रुपये में वो आपको 1 kg देगा। आप चाहे कितनी भी बार उससे 1 kg चीनी लो, मापन की सहायता से हर बार आपको वो 1 kg चीनी जो है वो उसी मात्रा में मिलेगी जिस मात्रा में उसने पहली बार दी थी। आप किसी भी जगह जाकर के 1 kg लो, उसमें उतनी मात्रा की चीनी आएगी जितनी उसने पहले दी थी। तो ये मैंने एक चीनी का एग्जांपल लेकर के आपको बताया कि मापन क्यों। अगर अपने किसी और पदार्थों की बात करें, जैसे अगर कपड़े की बात करें, चलो कपड़े की बात करें, तो अपने दुकान पर जाते हैं, अपने बोल देते हैं कि 5 मीटर जो है कपड़ा चाहिए। तार की बात करें, तार अपने बोल देते हैं कि 10 मीटर तार चाहिए। तो ये सब हम कर सकते हैं अगर हमारे पास में क्या है, मापन है। अपने बोल सकते हैं कि 10 मीटर तार चाहिए, 5 मीटर कपड़ा चाहिए। तो ये सब हम किसकी सहायता से कर सकते हैं, भौतिक विज्ञान की सहायता से कर सकते हैं। धन्यवाद आज का वीडियो देखने के लिए।